तरह जो ट्रक है उसमें जो माल, जो रॉ मटेरियल माइन से निकाला जाता है, वो फिर ट्रक के द्वारा लोड करके फिर जो कटर मशीन है वहाँ पे ले जाया जाता है, वहाँ पे सारी प्रोसेस होती है, कटिंग होती है उसकी। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं और आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे कटिंग होती है, क्या होता है, सब कुछ। देख सकते हो इतना बड़ा ब्लॉक है, रॉ मटेरियल है ये, यहाँ पे ये क्रेन की सहायता से उतारा जाएगा, फिर इसको वो देख रहे हो कटर मशीन उनमें लगाया जाएगा, फिर इनके पीसेज होते हैं। देख सकते हो इतने बड़े बड़े रॉ मटेरियल पहले लाए जाते हैं माइन से, फिर यहाँ पे कटिंग होती है इनकी। कितने सारे रॉ मटेरियल पड़े हैं यहाँ पे। एक भाई मामा बताओ काम है, देख सकते हो इस क्रेन की सहायता से जो ये रॉ मटेरियल है, ब्लॉक है बड़ा सा, उसको उतारा जा रहा है, फिर इसको कटिंग में ले जाया जाएगा। बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? उत्तम सिंह। उत्तम सिंह जी, तो उत्तम सिंह जी इस जो क्रेन है इसके ऑपरेटर हैं, ये ध्यान रखते हैं कैसे माल को लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है, फिर ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? पहले तो मशीन पे जाएगा। उस मशीन पे? उसके बाद में डायमंड पे जाएगा। अच्छा, उस मशीन को क्या बोलते हैं? ट्रेसिंग। ट्रेसिंग, अच्छा ट्रेसिंग, ये जो ब्लॉक है वो ट्रेसिंग पे जाएगा। पहले ट्रेसिंग होगा, फिर ये चोरस होगा। अच्छा, उसके बाद में डायमंड पे इसका पार्टियां बनेगा। अच्छा, मार्बल की। उसके बाद वो एक्सपोर्ट के लिए जाता है। इतना बड़ा ब्लॉक है, इस ब्लॉक का पूरा दारमदार जो ये ऑपरेटर है हमारे साथ, उनके ऊपर रहता है कि कहाँ इसको एडजस्ट करना है, कहाँ पे रखना है, सब कुछ। आपने इस वीडियो में देखा होगा जो ब्लॉक है वो वहाँ पे उतारा है, वही ब्लॉक जो ये ड्रेसिंग है वहाँ पे लाया जाता है,
इस क्रेन की मदद से, इस बड़ी वाली क्रेन की सहायता से जो ब्लॉक है, रॉ मटेरियल है, वो यहाँ पे कटिंग होती है इसकी। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से, इस तरह से इसका कट लगाया जाता है ताकि अंदर से पता चल सके कि जो अंदर का रॉ मटेरियल माल है ब्लॉक में वो कैसा निकलेगा। कोई धारी वगैरह नहीं हो, कोई कट वगैरह नहीं हो, कोई रोग नहीं हो इसमें, उससे पता चलता है। बड़ी सी कटिंग से जो ब्लॉक है वो यहाँ पे लाया जाता है ठेले पे, फिर यहाँ से होकर जो क्रेन है इन पटरियों की सहायता से यहाँ पे जो ये ट्रेसिंग है, डायमंड कटिंग है, वहाँ पे ले जाया जाता है। फिर यहाँ से इस तरह से कटिंग होती है, ये इतनी बड़ी मशीन है, देख सकते हो आप पीछे भी कट रही है। ये जो धारी है इसकी सहायता से जो ब्लॉक है वो यहाँ पे क्रेन की सहायता से, जो पटरियाँ हैं उनकी सहायता से यहाँ पे रखा जाता है इस ब्लॉक में। देख सकते हो इसको कौन सी मशीन बोलते हैं? गेंगसा। इसको गेंगसा बोलते हैं। ये गेंगसा मशीन है जिससे इनकी कटिंग होती है। और भी है कि कटिंग करनी बाकी इसकी? बाकी है। बड़ी भारी मशीन है ये गेंगसा, जिसको गेंगसा बोलते हैं। यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से ये जो मशीन है गेंगसा, इसको ऑपरेट किया जाता है। ये जो स्विच दिख रहे हैं आपको, इनकी सहायता से कैसे क्या करना है सब कुछ। Yeah,